देखिए ये एक असाइनमेंट है जो हमारा जीओसी और आईयूपीएसी नेमिंग को लेकर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फोर कंपाउंड्स आर गिवन इन कॉलम वन, मैच दिस विथ देयर पीके वैल्यूज गिवन इन कॉलम टू। तो वन और टू के कॉलम को हमें मैच करना है। पीके वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है, एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है के उतना ज्यादा होता है और पीके उतना कम होता है। तो आप बताइए इनमें कैसे पता लगाएंगे हम सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कॉन्जुगेट एनायन से, कॉन्जुगेट एनायन से, और उसमें देखेंगे रेजोनेंस। तो मुझे मालूम है कि ये एच हटेगा या माइनस आएगा, ये एच हटेगा या माइनस आएगा, यहाँ एक एच हटा दो, सिर्फ एक ही एच हटाना होता है, माइनस। पक्का? तो ये जो माइनस आ रहा है इसकी वजह से इसमें क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट सी डबल ओ एच का, और यहां पर सी एल का माइनस आई। तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा, माइनस माइनस को सपोर्ट करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है ना, तो माइनस माइनस को सपोर्ट करेगा। तो कौन सा ग्रुप ज्यादा बड़ा माइनस आई लगाएगा, सी डबल ओ एच या सी एल माइनस? आई थिंक आप सबका मालूम है सबसे स्ट्रांग क्या होगा, बी। बी सबसे स्ट्रांग होगा, क्लियर है? तो इसके पीके की वैल्यू सबसे क्या होगी, कम। तो बी अगर सबसे स्ट्रांग है तो पीके की वैल्यू सबसे कम कौन सी है इसके अंदर, जल्दी से देखिए, 1.2। तो इसका आंसर तो एस हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे तो यही आएगा, इसके पीके की वैल्यू क्या होगी, 1.2 से ज्यादा, यानी आर। लड़ाई इन दोनों में, ये दोनों वीक है, लेकिन इसका इफेक्ट प्लस आर ज्यादा होगा, प्लस आई। तो प्लस आई ज्यादा होगा, कम प्लस आई, कम प्लस आई तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो थर्ड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे कौन है, क्यू, और ये पी। एक बार और समझा रहा है, बोलो हाँ, सबको समझ में आ गया, पक्का? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहा हमारे लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इसके लिए आपको माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर देखना है और बहुत अच्छे से रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के प्रोपोर्शनल है यहां पर, और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? खास बात क्या है कि मैंने इसमें रेजोनेंस यानी प्लस आर और माइनस आर, या प्लस एम माइनस एम इफेक्ट पढ़ा तो दिया, लेकिन यूज नहीं किया है, नहीं कराया अभी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे जब मैं वो और डिस्कस करूंगा, अच्छे एग्जांपल लूंगा, तो मैं उनको भी लूंगा। यहां क्या दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक और दूसरे के अंदर देखना है कि रेजोनेंस है या नहीं है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला वाला आपके लिए क्या दिख रहा है, क्या रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा बहुत तो है, रेजोनेंस है। तो इसका मतलब इनके अंदर ये रेजोनेंस है, लोन पेयर पाई बॉन्ड। क्या लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आते हैं तो रेजोनेंस होता है या नहीं होता? होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज इन द कंपाउंड, इसका मतलब इसका आंसर पी तो जाएगा ही जाएगा। मैथ द कॉलम हमेशा मल्टीपल चॉइस होते हैं इस तरह के। क्या इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नेमिंग कहां से करोगे? अल्कोहल नंबर वन होता है, तो वन यहां से रहेगा, टू यहां रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो टू क्लोरो कहीं दे रखा है आपको, टू क्लोरो क्यू में, टू क्लोरो साइक्लोब्यूटिनॉल, बिल्कुल सही है, टू क्लोरो साइक्लोब्यूटिनॉल आईयूपीएसी नेम। तो इसका पी और क्यू दोनों जाएगा, जाएगा ना। अब इसको देख लो, क्या ये रेजोनेंस है? हाँ, यानी इसका भी पी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसका वन टू थ्री, थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटिनॉल, यानी पी और आर रहेगा। क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? इसमें कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसका एक ही आंसर रहेगा, और इसका आंसर रहेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे और उसके बाद वन टू थ्री फोर। तो अगर हम बात करें, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, एस। बहुत सही क्वेश्चन बना दिया, कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आप बाद में लोकेंट देखते हैं। तो नंबरिंग यहीं से होगी, वन टू थ्री और फिर ये फोर। क्या यहां रेजोनेंस है? नहीं है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? वन क्लोरो, और वो भी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? एस। बहुत
सही तरीके से बनाए हुए ऑप्शंस है। आ गए आपको समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहें आप। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वाह, क्या आपको लगता है कि एल्केन एसिडिक होती है बहुत ज्यादा? नहीं, एल्केन से ज्यादा एल्कीन, एल्कीन से ज्यादा एल्काइन। बचपन से पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहां sp2, यहां sp3। मोर एस करेक्टर, sp में मोर करेक्टर होते हैं, एस करेक्टर पढ़ाया ना, मोर एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी एच प्लस दे देगा। यहां सोचो एक सेकंड के लिए, एच हटाते हैं अपन, माइनस लगाते हैं, यहां पर भी एक एच हटाते हैं माइनस लगाते हैं, यहां पर भी एक एच हटाते हैं और माइनस लगाते हैं। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा एनायन यानी नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, ये पढ़ा है हमने अच्छे से, आ रही है बात समझ में? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, और मेरे ख्याल से आंसर यही है, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। CH बॉन्ड एनर्जी इज इथीन इज मोर देन इथेन बट लेस देन इथाइन। सही है, एस करेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी इथीन, मतलब एस करेक्टर ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये बात भी तय है, क्योंकि एस बॉन्ड आसानी से बनाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया, लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए तो हम इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला एच की बॉन्ड स्ट्रेंथ CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। लिख लो अभी, तो मोर एस करेक्टर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है, तो इथाइन की सबसे ज्यादा, फिर इथीन की, फिर एथेन की। मोर एस करेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों ये एक साथ पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखो आप, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। फोर्थ के अंदर क्या आंसर टिक करा आपने? एस करेक्टर है ना, सॉरी प्लस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? प्लस आई, आपको अच्छे से मालूम है, मैं भी बता देता हूं कि मेरे लिए नंबर वन पे ये है, वन पे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? एनायन की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है प्लस आई की, तो ओ माइनस सबसे ज्यादा होगा। ओ माइनस तो यहां पर भी है लेकिन रेजोनेंस में, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा माइनस नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन है तो फिर भी माइनस, तो इस माइनस के बाद नंबर टू पे यही आएगा। अब तीन ग्रुप बच रहे हैं, CDEF, चार है अभी भी, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री बहुत ज्यादा होगा, सही है ये। फिर आ रहा है हमारे लिए एक तरह से R2CH, इसका मतलब 2 डिग्री है, कार्बन ही है वो, कार्बन से दो R जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो फिर D आएगा और फिर ड्यूटेरियम आएगा या हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम आएगा फिर हाइड्रोजन, तो इसका मतलब मेरा आंसर ए जा रहा है, ए ही सही होगा। आप बहस कर सकते हैं इसमें, हाँ बोलो बेटा, डी ड्यूटेरियम है ना, अच्छा ये वाला बेटा, ये इस तरह से दो आर है और एक हाइड्रोजन है कार्बन पे, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप अपन ने करा है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, तो हम ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें करने में? बस खत्म बात। डी कैसे कम है? कम है ना, 3 डिग्री ज्यादा होता है फिर 2 डिग्री आता है, ये वाला ये है, ये तो 3 डिग्री है, और बी के अंदर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, माइनस हमेशा अच्छा प्लस आई इफेक्ट होता है, भले ही वो माइनस किसी पे भी हो, लेकिन क्योंकि यहां पर दो दो माइनस है तो फिर देखना पड़ता है कि कोई माइनस रेजोनेंस में तो नहीं है, हाँ है, तो वो माइनस थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअल वैल्यू से, तो उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कुछ कुछ समझ में आया?
ये हमारे पास कहानी है इसकी। तो एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं बच्चों, मैंने जब ये पढ़ाया था, आपको याद करो, अभी हाल थोड़ा सा देर पहले, इसने एक एच दिया, दिया या नहीं दिया? एक एच आसानी से दिया, क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई लग रहा है अभी। अब ये दूसरा एच देना चाहता है, नहीं दे पाएगा, क्यों? क्योंकि अब इस ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस आई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका पहला हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा एसिडिक है और दूसरा हाइड्रोजन बहुत कम एसिडिक हो जाएगा। एक एच देने के बाद जो उसके लिए पहले माइनस आई ग्रुप हुआ करता था, ये अब उसी के लिए, ये निकलने के लिए ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। इसीलिए पहला आसानी से निकल जाता है और दूसरा निकलता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ये एक ऑक्जेलिक एसिड है जिसका के की फर्स्ट, के का मतलब पहला निकलना, के वन बहुत बड़ा है Ka2 से, बहुत बड़ा है। आ गई? तो आप अपनी नोट्स में यहां पर भी लिख सकते हैं, हिंट वहां पर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी, कि पहला बहुत आसानी से निकलता है, दूसरा बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि पहले सी डबल ओ एच प्लस आई था, अब वो सी डबल ओ माइनस बन चुका है और वो माइनस आई है। तो बताओ PKa1 छोटा होगा ना PKa2 से। क्या समझ में आ रही है आपको गणित? नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर क्या आ रहा है इसका, जल्दी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई? NO2, देखो करेक्ट ऑर्डर NO2 बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि ये sp hybridized कार्बन है, ये सी डबल ओ एच है, बिल्कुल सही जा रहा है। बोलो जा रहा है या नहीं जा रहा? ऑर्डर आपने पढ़ा है तो ए आंसर तो आ ही गया। क्या और भी है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी सही है, बी भी सही है। तो यहां आपके पास मल्टीपल हो गया, माइनस आई इफेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी सही है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा होगा, माइनस आई का ही है ना, हाँ ठीक है। फिर पीएच, फिर यहां पर प्लस है, सब पे प्लस है और कार्बन ग्रुप उसकी उसको सपोर्ट करता है किस चीज में? जो भी वो करना चाह रहा है, मतलब जैसे जैसे R आएगा उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये गलत है मेरे लिए फिफ्थ में, बाकी सब सही है। तो यहां हाँ उल्टा हो गया। सिक्स क्वेश्चंस, क्या आंसर आना चाहिए सिक्स का? वीकेस्ट बेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें वीकेस्ट बेस्ट का मतलब होता है बेस कौन होते हैं ऑर्गेनिक बेस जो लोन पेयर देते हैं, आप मुझे बताइए बहुत प्यार से कि क्या यहां पर लोन पेयर है? सब जगह लोन पेयर है, बहुत प्यारा लोन पेयर है। और अब ये बताइए कौन आसानी से नहीं देगा? तो मुझे लग रहा है इस कार्बन पर पाई बॉन्ड है जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो s करेक्टर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। तो लिखिए यहां पर, ये लिखो, नॉलेज बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे, ड्यू टू पाई बॉन्ड परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू डोनेट, लोन पेयर डिक्रीजेस और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो मैं ऑर्डर लिखता हूं अपनी तरफ से, तुम मेरे साथ देना। इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक होगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। कैसे?
ध्यान से सुनना, आपने अभी हाल मेरे से पढ़ा था बहुत प्यारे तरीके से, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल माइनस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, पढ़ा था ना? ठीक है, तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ उसके उल्टा जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो यहां पर क्या है, प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें होगा या नहीं होगा? होगा, इसमें भी होगा, दो दो का है, इन दोनों में प्लस आई होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका माइनस आई भी हो जाएगा इस नाइट्रोजन का। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्लस आई और छोटा सा माइनस आई, क्योंकि दूर है, छोटा सा माइनस आई। तो दो बड़े प्लस आई और छोटा सा माइनस आई, यहां पर दो प्लस आई, सही है, यहां पर एक प्लस आई क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इससे, और अच्छी बात यह है कि इन सबके अंदर प्लस आई सबसे ज्यादा इसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा फर्स्ट, फिर बी, फिर सी, और यहां एस करेक्टर आता है। रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लिया है, अगर रेजोनेंस होता तो फिर हम रेजोनेंस को डोमिनेट करते हैं और उससे आंसर अलग आ जाते हैं, वो भी प्लस आर और माइनस आर वहां पर भी चलता है। ए और सी बेटा वो अलग है, उसमें एक ही आ रहा है, उसमें ऊपर नीचे डायरेक्ट आ रहा है नाइट्रोजन पे, और उसमें इस कार्बन पे आ रहा है और फिर वो सपोर्ट कर रहा है। आप ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातों को नजर नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर आप ऐसी चीजें गलती ना करें। लिखो, अगर आपसे गलती हुई है तो दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर, मेरे ख्याल से आप भी समझते हो एरोमेटिक क्या होगा, क्या ये होगा? हाँ, इसमें किस नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, पक्का? इसमें ऑक्सीजन का करेगा? हाँ, ये भी एरोमेटिक होगा, क्या ये एरोमेटिक होगा? इसमें एंटी ऑर्बिटल है, एंटी ऑर्बिटल हो, एंटी एरोमेटिक होगा, तो आंसर क्या हो रहा है, ए बी। क्या ये एरोमेटिक होगा? हाँ, माइनस है तो वो नहीं करेगा, माइनस का मतलब वो नाइट्रोजन ही तो हुआ, वो तो यही हो गया एक तरह से, ये नाइट्रोजन कार्बन माइनस, तो अच्छा एग्जाम्पल है, आप इन पे प्रैक्टिस करो, इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी डी। कोई डाउट? ये क्वेश्चन भी बहुत सही है, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज एरोमेटिक। प्रोडक्ट एरोमेटिक होगा, रिएक्टेंट पे नहीं कर रहा, एच प्लस क्या करेगा, इस एच टू को निकालेगा तो आपके पास ट्राइपोनियम आयन बनेगा, यानी ये एच प्लस इस पूरे ओ एच को निकाल देगा, ओ एच निकलेगा तो यहां क्या चार्ज आएगा, प्लस। एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है। यहां पर पीएच एल आई, एल आई क्या करता है, मेटल है, तो यहां पर माइनस आएगा, एच निकलने के पास कार्बन पे क्या चार्ज आता है, माइनस, और ओ एच निकलने के बाद कार्बन पे क्या चार्ज आता है, प्लस। आप एक बार बताइए, ये आर है, ये एच निकल जाएगा तो क्या चार्ज आएगा, आर माइनस, और आर ओ एच है, ओ एच निकलेगा यहां तो क्या चार्ज आएगा, आर प्लस। तो माइनस आते ही क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो आगे सिल्वर नाइट्रेट एजी प्लस, एजी बी आर बनाएगा, यहां बी आर माइनस में जाएगा तो यहां क्या चार्ज आएगा, प्लस, ये भी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। डी आंसर इसका सही है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिखो, आपको जितनी चर्चा करनी है, जितना डिस्कशंस करना है, आप करिए मेरे साथ। कोई डाउट तो नहीं है कि सर एक बार और बताना है, सी वाला, ये वाला? बेटा ऐसे सोचते हैं, बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना, ए जी बी आर बन जाएगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस या माइनस, प्लस,
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बीआर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे ओएच निकलता है, ओएच ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, निकाल लेता है। दिक्कत आई समझने में? अच्छे एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इज, बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन नंबर 9th। कौन सा जाएगा? देखिए ये बात तो है कि यहां और यहां में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। तो आप ही मेरे को बताइए प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा इसमें? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नहीं लग रहा फोर्थ में ज्यादा होगा? नहीं, अभी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। करिए इसको, इसमें क्या पॉइंट आ रहे हैं? मैंने आपको अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कराया, वो भी हमारे को देखना पड़ेगा, और रेजोनेंस को भी। तो थोड़ा सा हम इसको डिले रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज फर्स्ट हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी देन सेकेंड? फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी सेकेंड से ज्यादा है, 10th है, यानी हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, और ये हमने स्ट्रक्चर देख ली। फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी। आपको क्या लग रहा है, ये सीक्वेंस रेजोनेंस है? सीक्वेंस रेजोनेंस लिखो इसके साथ, कंटिन्यू सीक्वेंस है, सीक्वेंस। और यहां क्या है? क्रॉस, ये इधर जाएगा ही। कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है? सीक्वेंस। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? सीक्वेंस की। तो ये ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। यहां पर सीक्वेंस रेजोनेंस है या नहीं है? अच्छा, बहुत सही है, यहां पर आपको रेजोनेंस देखना है। यहां नाइट्रोजन, ये तो रेजोनेंस हो ही रहा है। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा यहां पर? नहीं, नहीं जा रहा। तो यहां रेजोनेंस कंटिन्यू होता रहेगा, ये बहुत सही है कि ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, रेजोनेंस होगा, और यहां पर भी सीक्वेंस रेजोनेंस है। यहां पर देखो, ये इस जगह क्या लग रहा है? इस जगह ये प्लस चार्ज कंटिन्यू इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। हाँ बेटा, दोनों यहां हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, बस वही है कि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी, अलग थोड़ी ना होगी, बराबर होगी। मैंने आपको पहले ही बोला है रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है। हमसे ये पूछा जाता कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो एक बात अलग होती। ये तो दोनों एक ही रेजोनेटिंग, ये यहां गया, ये तो यहां आया, तो एक ही मॉलिक्यूल है। यहां स्टेबिलिटी नहीं पूछी जा रही आपसे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी पूछी जा रही है, यही पूछा जा रहा है, पक्का? आप ध्यान से देखिए, आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, मोर रेजोनेंस एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो मोर रेजोनेंस एनर्जी, ये तो दोनों एक ही के हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखिए यहां पर, इसके बारे में बहुत कुछ लिखिए, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। एंड रेजोनेंस एनर्जी,
डिफाइन फॉर मॉलिक्यूल और स्पीशीज सो बोथ हैविंग सेम रेजोनेंस एनर्जी. सेम रेजोनेंस एनर्जी. यहां लोन पेयर क्या यहां पर भी नहीं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है. यहां सीक्वेंस रेजोनेंस है और यहां पर क्रॉस है, तो सीक्वेंस वाला ज्यादा होगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी डी. बहुत अच्छा एग्जांपल है बच. हाँ बोलो. फर्स्ट वाला अगर आप पकड़ रहे हो तो मैंने यहां रेजोनेंस किया नहीं, देखो अंतर है. आप कितना ही कर लो, ये यहां प्लस है, ये प्लस यहां आया, ये इस तरफ गया. क्या बात है यार, यहां प्लस था, ये यहां गया, प्लस यहां आया, ये इस तरफ आ गया. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक ही एक दूसरे की वो है, क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इसका आंसर ए भी नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल अलग चाहिए चाहिए मेरे को, तो इसका आंसर बी डी जाएगा. सही है, वेरी गुड अर्पित, दैट्स गुड, है ना, क्योंकि ये वाला प्लस इधर जाएगा और जैसे इधर गया, एक बार बना ही लेते हैं, ये देखो ये यहां आ गया प्लस, ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर सेम है. तो जब सेम है तो रेजोनेंस एनर्जी तो स्पीशीज की होगी ना. हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता था कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो एक अलग पॉइंट होता. रेजोनेंस एनर्जी तो मॉलिक्यूल की होती है, वो एक स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नहीं होती, वो मॉलिक्यूल की पूरी कंप्लीट होती है, और जिसमें ज्यादा इफेक्ट, ये तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है. ये ऑक्सीजन एटम है, ये रेजोनेंस करेगा, यहां पर जस्ट ऑक्सीजन के पास ही sp3 है, जबकि यहां ऑक्सीजन से बहुत दूर है, और वो चेंज नहीं हो पाएगा. तो यहां तो आपका बिल्कुल सही कंसेप्ट है, इसका आंसर जाएगा बी एंड डी. क्वेश्चन नंबर पैसेज आ गया, एक पूरा का पूरा पैसेज है. आंसर बताइए इसके. क्या पूछा जा रहा है यहां पर आपसे? इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार और. ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अरेंज द एच एटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच को हटाना होता है. तो एच हटाने के लिए इसने बोला है बी ए ई को देखना है, तो ये माइनस यहां लगा दो, ई हटा दो, और ए कहां पर है, यहां माइनस लगा दो, इसको हटा दो, और बी कहां पर है, यहां एक हाइड्रोजन लगा के यहां माइनस लगा दो. ऑक्सीजन में माइनस विद रेजोनेंस, ये लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ऑक्सीजन में माइनस विद रेजोनेंस स्टेबल है. तो सबसे ज्यादा ए एसिडिक होगा, ए. तो अभी तक हमारे ये दो आंसर सही जा रहे हैं. फिर ऑक्सीजन में माइनस विदाउट रेजोनेंस इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए के बाद क्या जाएगा, बी ई. तो यही आंसर सही है, ये गलत हो गया. नाइट्रोजन में माइनस विदाउट रेजोनेंस कुछ नहीं कर सकते आप, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा. अरेंज द एन एटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी. अब बेसिसिटी पे वर्क करना है हमें. बेसिसिटी में यहां पर इसका रेजोनेंस क्या है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, लोन पेयर देना ही बेसिसिटी है. तो यहां पर क्या होगा, ये खींचेगा तो माइनस आर, यहां पर भी रेजोनेंस है माइनस आर, लेकिन बड़ा माइनस आर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से खींचेगा.
यहां पर और कहां पर है नाइट्रोजन? हमारे पास दो जगह, एक और जगह है और वो है हमारे लिए बी, ये वाला बी नाइट्रोजन। तो आपको भी मालूम है कि यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां तो उल्टा प्लस आई इफेक्ट भी मिल रहा है आपको, मजा आ जाएगा। तो प्लस आई के प्रोपोर्शनेट होगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सबसे ज्यादा बी, फिर कौन होगा? डी, और सबसे ज्यादा सबसे कम सी। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि माइनस इफेक्ट, माइनस आर माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। प्लस आई प्लस आर एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बहुत आसानी से निकालते हैं। नंबर ऑफ साइकिल 1 2 3 4, प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, 5 प्लस 4 9। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या आंसर जाएगा इसका 14 का? पढ़ो पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 को। स्टेटमेंट फर्स्ट, MeCH2 इज मोर स्टेबल देन दिस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये O प्लस है, यहां रेजोनेंस है। कौन सा वाला? लोन पेयर प्लस वर्सेस कार्बन प्लस है या नहीं है? तो जब है, मैंने ये रेजोनेंस स्पेशल लिखाया था कि अगर कोई भी कार्बो कैटायन डायरेक्ट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ जाता है तो वो अपना लोन पेयर दे देता है, ये नहीं देखता उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और इससे कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये, यहां माइनस आई नहीं देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे? प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट है तो इज मोर स्टेबल। तो ये तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट इज फॉल्स, तो आंसर क्या बचा? सी। तो सेकंड अपने आप सही होना भी चाहिए अब तो। पढ़ लेते हैं, एम ई इज प्लस आई ग्रुप वेयर एज एम ई ओ इज माइनस आई। ये सही है, एम ई ओ अपने आप में माइनस आई है, मैं मानता हूं एम ई ओ अपने आप में क्या माइनस आई है, लेकिन प्लस आर भी है। एम ई ओ माइनस आई एंड प्लस आर, और आर डोमिनेट करता है, इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना कि कम करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी जाएगा। लिखे इसको बेटा, देखो एम ई ओ कार्बन प्लस पे जुड़ा हुआ है, तो ये अपना लोन पेयर यहां डाल देगा, क्या चीज बेटा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जितना क्लोज होंगे स्टेबल होगा, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज वो वाला देखना पड़ता है, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर दो प्लस माइनस, ये अलग अलग कंपाउंड है, समझ में आ रहा है? और उनकी स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। तो आपके लिए प्लस और यहां पर प्लस रेजोनेंस आ जाएगा, प्लस यानी कि ये ग्रुप अपने आप में माइनस आई भी है और प्लस आर भी है, जिसकी वजह से ये डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्या आंसर जाएगा? देखो इसको 15 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशंस बैरियर सी एन बॉन्ड? सी एन बॉन्ड में रोटेशन बैरियर देखना है, क्या यहाँ रेजोनेंस है? रेजोनेंस है क्या? नहीं है, नो रेजोनेंस। क्या यहाँ रेजोनेंस है? यस, डबल रेजोनेंस। क्या यहाँ रेजोनेंस है? बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस। यस,
सिंगल रेजोनेंस। आपको ऐसा नहीं लगता सिंगल रेजोनेंस है तो यहां पर डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा होगा, जबकि सिंगल डबल रेजोनेंस है, इधर भी है इधर भी है, तो डबल बॉन्ड उतना नहीं आएगा जितना होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कहां आएगा? यहां। तो यहां पर रोटेशन बेरियर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा यानी थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? सेकेंड, और उसके बाद सबसे कम फर्स्ट, क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं है, वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, प्योर सिंगल। यानी वन बॉन्ड ऑर्डर, यहां दो दो जगह है डबल रेजोनेंस, डबल साइड रेजोनेंस, यहां डबल रेजोनेंस से मतलब डबल साइड रेजोनेंस है। तो जो काम दो दो तरफ कर रहा होगा तो एक तरफ उसका इफेक्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। ये नहीं कि डबल रेजोनेंस से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, डबल रेजोनेंस नहीं है दस। हाँ, अगर यही रेजोनेंस सिक्वेंस में चल रहा होता तो देने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाती? और बढ़ जाती। तो उसको मैं बोल देता डबल सिक्वेंस रेजोनेंस। मैंने तुम्हें दिया, तुमने आगे दे दिया, तो मेरे में हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनी रहेगी। लेकिन मैंने तुम्हें दिया और तुम किसी और से भी ले रहे हो तो फिर तुम मुझसे कम लोगे। तो ये चीजें को प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, इसका कोई और तोड़ नहीं है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है? तो यहां इसका दोनों तरफ इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। रोटेशन बेरियर का मतलब होता है रोटेट करने में बेरियर। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आएगा उतना ही रोटेशन बेरियर ज्यादा होगा। और इस तरह के क्वेश्चन अपनी सिंपल बनिया वाली मैथ्स लगा के होता है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग एरोमेटिक। तो ये तो सारे हिट्रोसाइक्लिक है, पहली लाइन तो ये, क्यों? क्योंकि साइकिल के अंदर नाइट्रोजन एटम है, ऑल आर हिट्रोसाइक्लिक। अब बात आता है एरोमेटिक करेक्टर। तो ये नॉन प्लेनर है एनुलीन की तरह, मैंने पहले भी बताया था 8 कार्बन या ज्यादा कार्बन वाली एनुलीन क्या होती है? नॉन प्लेनर। तो ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, यहां हमारे पास एरोमेटिक करेक्टर, ये तो कंफर्म है। क्या ये 2 2 4 2 6 7 8 एंटी एरोमेटिक? 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी, और ये नॉन एरोमेटिक। मजा आ गया इसमें, अच्छे एग्जाम्पल आए हो। मैंने इतने एग्जाम्पल करा दिए एरोमेटिक, उसके बाद फिर नए नए 4 एग्जाम्पल बनाना कम बात नहीं है। ठीक है, यस और नो? अच्छे समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी वाले एग्जाम्पल भी। क्वेश्चन नंबर 17 सही है, क्या आंसर आ रहा है 17 का? ए। किसी को डाउट नहीं है? तो इसका आंसर ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर आ रहा है इसका? सी। किसी को डाउट? सही है बिल्कुल, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। 19, क्या आंसर आ रहा है 19 का आपका? जल्दी बोलो, ए बी डी, बिल्कुल सही है, कोई डाउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर आ रहा है 20 का? बी बॉम्बे। किसी को डाउट? तुम्हें डाउट है बी? देखो हमारे को ये तो समझ में आ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। पहले काउंट करो इधर कितने एटम है, 1 2 3 3 है, इधर कितने हैं 2, और एक तरफ कितने हैं 1, तो 3 2 1 सब जगह वही है। अब 3 2 1 हमारे पास सही है पक्का, तो हम अब नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं 3 2 1। सबसे बड़ी चेन कौन सी है? यहां ये, फिर 2 और फिर 1। यहां हमें इससे कोई मतलब नहीं है फंक्शन ग्रुप क्या है कैसे नंबरिंग है। तो नंबरिंग हमेशा इस तरह से होती है कि
कॉर्नर से हमें करनी रहती है, और उस चेन को पहले पकड़ना होता है जो सबसे बड़ी है, 1 2 3 4 5, फिर कंटिन्यू जाओ 6 7 और फिर 8, तो आप बताते जाओ 7 क्लोरो 2 मिथाइल 22 साइक्लो ऑक्टेन 8 ऑल। बहुत सही है, कोई डाउट? सबसे बड़ी को लेते हुए फिर छोटी की तरफ चले जाओ। नेक्स्ट, क्या आंसर है इसका आपका? आंसर बोलिए जल्दी। सी, सही है। किसी को डाउट? द यूपीएससी नेम ऑफ दिस, देखो ये पहले तो पता लगाओ ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। एमाइड है, तो सिंपल सा है। अगर हमसे यहां बात करेंगे तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2 3, नहीं क्योंकि एमाइड वहां पर है, 1 2 3 4, पूरा का पूरा वही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों एमाइड है तो अब तो हमारे लिए और अजीब सा हो गया। 1 2 3, हम चेन छोटी करेंगे तो हमारे पास देखा जाए, और एमाइड हम यहां पर बोल सकते हैं बिल्कुल 1 2 3 4, मैं 1 2 3 तब करता जब यहां पर भी CONH2 होता, अब तो कोई जरूरत नहीं। तो 2 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? 2 पर ब्यूटाइल, ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल, एन का मतलब नॉर्मल, तो एन ब्यूटाइल। फिर 1 2 3 4 क्या हुआ नंबर? 1 2 3 4 और ये 5, पेंटेन डाइएमाइड, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ यहां पर भी CONH2 होता तो मैं इस चेन को छोटी कर देता, 1 2 3, 2N का मतलब 2 पोजीशन पे और N का मतलब नॉर्मल, N ब्यूटाइल है वो, 2 सेकेंड पोजीशन। हाँ कौन सा कंफ्यूजन बेटा? नंबरिंग कहीं से, देखो नंबरिंग कहीं से भी करो, सीओ के लिए तो दोनों पोजीशन है, लेकिन एन ब्यूटाइल कहां से पहले पड़ रहा है? सेकेंड नंबर पे, और यहां पे क्या और पड़ेगा? 1 2 3 4, नहीं अगर यहां पर ये तो है बिल्कुल, अगर यहां पर भी CONH2 होता तो फिर हमें तीनों CONH2 को लेना पड़ता, तो फिर मैं नंबरिंग यहां पर करता 1 2 3, तीनों फंक्शन ग्रुप सेम होते, सेम होते। समझ में आता है? हाँ यहां तो आ सकते, दो दो तो लिए जा सकते कॉर्नर फर्स्ट और लास्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर क्या जा रहा है इसका? ए। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 23, आंसर क्या जा रहा है आपका? एक डी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्या आंसर जा रहा है आपका? जल्दी बोलो, बी। किसी को दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 25, आंसर क्या जा रहा है? ए। किसी को दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 26, बस हो गया।